नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा के लोगों को जल्द ही रेल ओवर ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। करीब 35 करोड़ की लागत से बनकर पूरी तरह तैयार हो चुके ओवर ब्रिज का जल्दी उद्घाटन हो सकता है। इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गयी है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज रेल ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया और बिजली कनेक्शन सहित अन्य छोटे मोटे काम को जल्द पूरा करने का निर्देश कार्यकारी एजेंसी को दिया। उन्होंने कहा कि सारी तैयारी पूरी करके राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही यह रेल ओवर ब्रिज जिले के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। और इसका कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट है। हम लोग यही इसका भौतिक एक बार चेक करने आए थे, विजिट करने आए थे। अभी हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट में इसको इन्फॉर्म कर चुके हैं और जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आर ओ भी चालू होगा और सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। ये हम लोग बाकी देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइमिंग वगैरह का इशू है, उसको हम लोग देख रहे हैं। बाकी हम लोग को बस एक बार ये चेक करना रह गया कि इल्यूमिनेशन प्रॉपर है या नहीं, तो उसको हम लोग जल्दी चेक कर लेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि लक्ष्मण गिलवा का सपना था कि चक्रधरपुर जिला बने और यह भाजपा का भी सपना है। भाजपा की सरकार जब भी बनेगी, लक्ष्मण गिलवा के चक्रधरपुर को जिला बनाने का सपना भाजपा पूरा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चक्रधरपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने और परिजनों से मिलने पहुँचे थे। गिलवा जी का सपना था या भारतीय जनता पार्टी का भी सपना था, और हम लोगों ने यह प्रयास भी था कि अगर हमारी फिर से सरकार बनती है, गिलवा जी का सपना था कि चक्रधरपुर जिला अलग बने। जब भी हमारी सरकार आएगी तो इन सपनों को हम लोग जरूर पूरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में धीरे धीरे टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। अभियान को रफ्तार देने के लिए चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले के मानके मुंडा के साथ जिला परिषद सभागार में आज बैठक की, जिसमें कोविड-19 का टीका नहीं लेने वाले मानके मुंडा को तत्काल अपना और अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने मानके मुंडा से यह जानने का प्रयास किया कि आखिरकार गाँव के लोग टीका लेने से क्यों कतरा रहे हैं। मानकी मुंडा ने बारी बारी से अपने विचार साझा किए। कुछ लोगों ने बताया कि गांव में लोग कोरोना से नहीं डरते हैं, बल्कि टीका से डरते हैं, जिसके बाद पदाधिकारियों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जब तक मानकी मुंडा अपने परिवार का टीकाकरण नहीं कराएंगे, तब तक वह गाँव के दूसरे लोगों को इसके लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए सभी मानकी मुंडा पहले अपना और अपने परिवार का टीकाकरण कराएं और फिर गांव के लोगों को समझाएं और प्रेरित करें। जो लोग बेहतर कार्य करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। सभी की उपस्थिति में हम लोगों ने बैठक ली। सभी मानकी मुंडा डकुआ जो भी सदर अनुमंडल से संबंधित, ये बैठक आज सभी मानकी मुंडा डकुआ को, जैसा कि पहले भी किया गया है, उसके बाद टीकाकरण से संबंधित जागरूक करने के तौर पर और उनको टीकाकरण से संबंधित कोई भी भ्रांतियाँ जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है और भ्रांति में क्या सत्यता है क्या नहीं, इसी पर विचार विमर्श करने से संबंधित बैठक आज की गई। सभी मानकी मुंडा डकुआ ने ये हम लोग को विश्वास दिलाया है कि वो जल्द ही इन सब चीज़ों के बारे में अपने गाँव में बात करेंगे और सभी को टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। हम लोग पूरे जो भी गांव या पंचायत या प्रखंड सबसे पहले टीकाकरण करवाएगा उसको प्रशासन की तरफ से पुरस्कार है। आजकल का अगर हम देखें तो हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है पहले 5 जिलों में रह रहा है जिसका टीकाकरण सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट नंबर में हो रहा है। कुल मिला के हमारी 45 प्लस और 60 प्लस की जनसंख्या में 30% हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं और 18 प्लस में हम लोग 6%। विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि मानकी मुंडा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण का कार्य अच्छी तरह से हो सकता है। आज की बैठक में उन्होंने आश्वस्त भी किया कि 1 महीने के अंदर और बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। अभी
जो मोटिवेशन का काम चल रहा है और जिला प्रशासन इस तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने का एक प्लान किया है, इसमें मानकी मुंडा को आगे करके जो ग्रामीण क्षेत्र का कोरोना से लड़ने का जो तैयारी है वो लगता है कि बहुत बढ़िया है और इसको काफ़ी गंभीरता से गाँव का ग्रामीण प्रशासन जो मानकी मुंडा का उन्होंने लिया है और आश्वस्त किया है कि एक माह के अंदर इसको और बेहतर करने का वो प्रयास करेंगे। हाटगमरिया थाना क्षेत्र के कोयडा गांव निवासी मनीष चातुम्बा की सुमित्रा चातुम्बा ने पारिवारिक विवाद को लेकर बुधवार की रात घर के पास कटहल के पेड़ पर ओढ़नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर पुलिस ने गुरुवार की सुबह लाश को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और शव का पंचनामा करने के बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जहरीला पदार्थ पीने से गंभीर मरीज टोकलो थाना क्षेत्र के इटिहासा निवासी 55 वर्षीय निरंजन दास की मौत बुधवार रात करीब 11 बजे इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। पुलिस ने गुरुवार को लाश का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक मंद बुद्धि था। बुधवार को उसने जहरीला पदार्थ पी लिया। जब उसकी हालत गंभीर होने लगी तो परिजन बुधवार रात 9 बजे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान 11 बजे रात को ही उसकी मौत हो गई। ट्रांसफर, पोस्टिंग, अवैध माइनिंग और रूपा तिर्की के मामले पर झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर हमला किया। चाईबासा परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए रघुवर दास ने कहा कि जब से यह सरकार बनी है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला चल रहा है। इसके जरिए पैसा कमाना एक सूत्री एजेंडा है। कोयला हो या लोहा, अवैध माइनिंग के जरिए पैसा लूटकर दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। यह सरकार अवैध माइनिंग करा रही है। रघुवर दास ने कहा कि विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के विधायक सभी यही बात बोल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर कटाक्ष करते हुए रघुवर दास ने कहा कि वह दिल्ली पैसा पहुँचाने गए हैं। पुलिस पदाधिकारी रूपा तिर्की के मौत के मामले पर रघुवर दास ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि एक गरीब आदिवासी की बेटी की हत्या हो गई, पूरे राज्य के आदिवासी समाज के लोग सड़क पर हैं और सरकार न्याय दिलाने के बजाय उसी परिवार को प्रताड़ित कर रही है। सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम तो बता दिया आपको, एक सूत्री बदली, 1.5 साल में जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, अब जो डीजीपी आप थे आपके क्या नाम है, 15 महीना में 4 बार ट्रांसफर हो गया आरके मल्लिक साहब। तो एक सूत्री एजेंडा ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसा कमाना, दूसरा बदला, जितनी हमारी सरकार के समय जनहित में जो भी योजनाएं शुरू की। अभी मैं चकदरपुर में महिलाओं से पूछा कि जो हमारी बीजेपी सरकार में स्ट्रीट लाइट गाँव में लगाई थी, जल रहा, बोला सब बुता हुआ। पानी हमने लगाया था कि गांव के बहनों को पानी की दिक्कत ना हो, सोलर के द्वारा हर घर में गांव में पानी लगाया था, बोला अभी बंद है, कोई देखने वाला नहीं। और तीसरा है अवैध दरबार, सिर्फ मरीज का ही चोरी नहीं हो रहा, कोयला भी धनबाद से लगातार समाचार पत्र में आप ही लोग छाप रहे हैं, चाहे वो संथाल परगना शिकारी पारा माइन से हो, चाहे देवघर के सरवा माइन से हो, चाहे धनबाद रामगढ़ से। तो ये सरकार तो अवैध व्यापार, यहाँ के संसाधन को लूटो और दिल्ली जनता दरबार में पहुंचा। हर पूरे झारखंड की जनता का सूर्य ही है ये सरकार, अवैध माइनिंग व्यापार। अब पत्थर उद्योग का वहां लोबिन सोब्रम धरना बैठे थे कि नहीं, सदन के अंदर लोबिन सोब्रम ने हमारा आरोप लगाया, स्टीफन मरांडी जो झारखंड के वरिष्ठ नेता उसने समर्थन दिया, उसके घर की बहू और जामा की विधायिका सीता सोरेन ने आरोप लगाया। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, इस सरकार में सारे लोग, जनता की बात तो नाखुश है ही, सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक, सारे लोग नाखुश, क्योंकि इस सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का। जितना संसाधन लो बैठ के खाओ, मौज मस्ती करो, अब दिल्ली गया पहुंचाने का हिसाब किताब क्या है। बहुत ही चर्चित मुद्दा है, पूरा आदिवासी समाज आज सड़क पर है, एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी किस तरह दरोगा बनकर
साहेबगंज के थाना में थानेदार थे और माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर उसके परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। मुख्यमंत्री तो 2 महीना चुप थे, पूरा रांची में आदिवासी समाज सड़क पर, जो हमारे नौजवान साथी सड़क पर रुके आंदोलन कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी जाके माननीय मुख्यमंत्री से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सारगर्भित बात है कि हमारी बहन है, उसको हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन आज जो समाचार पत्र में आया है कि उनके फादर ने जो FIR किए थे, उल्टे उन पर अनरजिस्टर्ड FIR कर दिया। आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासियों को बहुत भरोसा था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, आदिवासियों का कल्याण होगा। लेकिन इस 18 महीने लगभग होने जा रहे हैं सरकार को, अगर अब अपराध की घटना को भी देखें तो सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं और बच्चियों का बलात्कार और आत्महत्या, आदिवासी मुख्यमंत्री। इस राज्य में आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। चक्रधरपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मौके पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कुछ देर पार्टी संगठन को लेकर भी चर्चा किया। मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन के लिए सप्ताह में 2 घंटे काम करने का अपील किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के नाकामियों को जनता तक पहुंचाने को कहा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों को सरकार से धान की राशि नहीं मिलने की समस्या से भी अवगत कराया। जगन्नाथपुर और हाटगमरिया थाना पुलिस द्वारा हाटगमरिया जैतगढ़ मार्ग में स्थित शुभम ढाबा के पास से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराधी झारखंड के हैं और तीसरा उड़ीसा के मयूरभंज जिला के घागरबेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। मयूरभंज जिला का रहने वाला गणेश गिरी हत्या, लूट और डकैती के मामलों में आरोपी है। जगन्नाथपुर थाना के एक मामले में भी वह आरोपी है। दूसरा आरोपी जिसका नाम तारिणी गोप है, उसकी उम्र करीब 20 साल है और वह जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के तोड़ांगहातू गाँव का रहने वाला है। तीसरे आरोपी का नाम नीतीश मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा है, जो नया बाजार जैतगढ़ का निवासी है। इसके खिलाफ मयूरभंज जिला के घागरबेड़ा थाना में मामला दर्ज है, इसलिए पुलिस ने नीतीश मिश्रा को मयूरभंज पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। जायंट्स ग्रुप के संस्थापक पद्मश्री नाना चूड़ास्मा की 28वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को उन्हें याद करते हुए उनके तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। चैम्बासा गौशाला में पौधारोपण किया गया और साथ ही गौशाला के गायों को गुड़ खिलाया गया। फेडरेशन के यूनिट 1 के डायरेक्टर विष्णु भूत ने नाना चूड़ास्मा के जीवन में प्रकाश डाला। लायंस क्लब चैम्बासा द्वारा लॉकडाउन के दौरान 0 से 18 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन कॉम्पिटिशन का आयोजन 13 से 25 मई के बीच किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों से 160 बच्चों ने भाग लिया था। कार्यक्रम में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस, कलरिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, वाद विवाद, डांस और क्ले मॉडलिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की संयोजिका शालिनी सराफ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे कुछ रोचक करना चाह रहे थे, इसी को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब की ओर से लॉकडाउन के दौरान यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहले 3 स्थान में आने वाले 60 बच्चों को संस्था की ओर से सील्ड और प्रशस्ति पत्र दिया गया। जो प्रतिभागी पुरस्कार नहीं जीत सके थे, उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट दी गई। लायंस क्लब चैम्बासा और श्री गुरु सिंह सभा की ओर से गुरुद्वारा में आयोजित COVID-19 टीकाकरण शिविर में 4th दिन कुल 153 व्यक्तियों ने वैक्सीन लगवाया। 45+ के 22 लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी डोज, 18+ के 10 लोगों ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज और 18+ के 121 व्यक्तियों ने कोविशील्ड की पहली डोज ली।
कैंप में 4 दिनों में कुल 568 व्यक्तियों ने अपना टीकाकरण कराया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।